तो दोस्तों वेब सीरीज के कहानी की शुरुआत एक मुस्लिम परिवार के निकाह से शुरू होती है जिसमें कनीजों का परिवार भी आता है। कनीजों का काम होता है कि शादी ब्याह में आए हुए मेहमानों का अपने नाच गाने से मनोरंजन करना, लेकिन साजिया की माँ इन कनीजों से बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि ये कई बार इस कनीज को अपने शोहर के साथ बातें करते हुए देख लेती है जिससे इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब स्नेहा साजिया को शॉपिंग कराने के लिए मार्केट लेकर आती है और शॉपिंग के बाद जब ये लोग घर पर लौटते हैं तो यहाँ पर साजिया की माँ इन दोनों की क्लास लेना शुरू कर देती है और बोलती है कि तुम लोग शॉपिंग के लिए सुबह से घर से निकले हुए हो और आप जाकर लौटे हो, तुमको पता होना चाहिए कि जमाना कितना खराब है। अब दोस्तों इतना बोलकर साजिया की मां यहां से चली जाती है। अब स्नेहा साजिया को लेकर रूम में आती है और इसको तैयार करना शुरू कर देती है। तो साजिया स्नेहा से पूछती है कि स्नेहा मुझको बताओ सुहागरात पर क्या होता है। तो स्नेहा साजिया को सुहागरात की टिप्स देना शुरू कर देती है। तो अचानक से साजिया की माँ साजिया को आवाज़ लगाती है और साजिया रूम से बाहर चली जाती है। तो इस तरह से इनका सुहागरात वाला चैप्टर भी अधूरा रह जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साजिया के भाई का भी स्नेहा के साथ चक्कर चल रहा होता है जिसकी खबर किसी को कानो कान तक नहीं होती। अब दोस्तों शादी ब्याह की तैयारियाँ चल ही रही होती हैं तो इसी बीच साजिया की माँ को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि सलीम यानी इसका होने वाला दामाद पैदाइशी नामर्द है और इस खबर को जानकर इसकी माँ की आँखें फटी की फटी रह जाती हैं और कहानी का एपिसोड वहीं यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों क्या होगा इसकी आने वाली एपिसोड 2 में, आगे की कहानी जानने के लिए आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।